को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान अब दिया है। उनका ये कहना कि यहाँ पर मुसलमानों को खतरा है। ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि इस देश में मुसलमान खतरे में है, इस तरह के लगातार भड़काऊ बयान इस समय दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर ये कानून बन जाता है तो फिर देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे। मुसलमानों के प्रति इतनी चिंता वो दिखा रहे हैं जैसा कि हिंदुस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आखिर भाईजान ने इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी दी क्यों, वजह क्या, रिपोर्ट आप देखिए। मोदी की सरकार ने एक वफ़ का बिल लाया और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा, अगर ये वफ़ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। वजूद पर संकट है या भविष्य की फिक्र, ये सवाल इसलिए क्योंकि मंचों से अमन और भाईचारे का पैगाम देने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब मुसलमानों को भड़काने पर उतारू हो गए हैं। फॉर्मूला है वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को भड़काने का और मकसद है मुसलमानों को देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाकर सियासी फायदा कमाने का। सुनिए वक्फ कानून के नाम पर ओवैसी कैसे मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून मोदी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म नफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है, क्यों बना रहे हैं कानून आप? नहीं, वफ को अच्छा करने बना रहे। कौन सा अच्छा कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट कलेक्टर को पावर, वक्फ बाय यूजर गायब, रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, ट्राइब्यूनल गायब, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म, को क्या बचेगा फिर? खाली कागज पे लिखा होगा वक्फ बोर्ड। मालिक कौन होंगे? मोदी होंगे। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त और लगातार हो रहे विधानसभा चुनावों में वोट का ग्राफ गिरने के बाद अब ओवैसी एक बार फिर सीट बेल्ट बांधकर तैयार हैं। जोश ऐसा कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले पीएम मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुट गए हैं। युद्ध मिडिल ईस्ट में छिड़ा है, एक अकेले इसराइल के साथ कई मुस्लिम देश एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। फलस्तीन में 70% लोगों के घर बर्बाद कर दिए वो जालिम बेंजामिन नेतन्याहू, अल्लाह उसको गारत करे, अल्लाह उसको जहन्नम का बनाकर जहन्नम में डाले। अशर का मैदान यहीं पर होगा, यहीं पर हिसाब किताब मीजान लगाया जाएगा। और जो दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनके जमीनों में अल्लाह ने दौलत दी, आज वो गूंगे बनकर बैठे हैं, अरे जालिमो तुमको और हम सबको अपने अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। ओवैसी के इस भड़काऊ बयान के पीछे एक सच्चाई ये भी हो सकती है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM और नगीना के सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गठबंधन करके लड़ सकते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को बरगला कर वो मुसलमानों का वोट हासिल कर सके और दलित मुस्लिम गठजोड़ से अपनी सियासत चमका सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट में 6 बच्चियों समेत 9 लोग फंसे। कन्या पूजन के बाद अपने घर लौट रही थी बच्चियां, करीब 30 मिनट तक फंसे रहे लोग।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में दुर्गा पंडाल के दौरान हंगामा, दो पक्षों के बीच हुई झड़प, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर दर्ज किया गया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हंगामा, नगर पंचायत कार्यालय परिसर में सभासद और ठेकेदारों के बीच झड़प, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। देश भर में विजयदशमी की धूम, रांची में रावण दहन की तैयारी पूरी, मैदान में लगाया गया रावण का पुतला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महाकाली की शोभा यात्रा के दौरान हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर एक मासूम बच्चे की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। विजयदशमी के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, बाबा की आरती कर आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं, पोस्ट कर लिखा, ये त्योहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में की शस्त्र पूजा, सैनिकों से भी मिले राजनाथ सिंह, तस्वीरें सामने आई। दार्जिलिंग में जवानों से मुलाकात के बाद बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत हर तरफ से चौकस, भारत के आन बान और शान पर आज बर्दाश्त नहीं, जरूरत पड़ने पर सक्षम का शस्त्रों का भी इस्तेमाल करेंगे। साथियों, मैं इस बात का देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, साथियों, किसी भी वस्त्र की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुए बवाल पर बोले बीजेपी नेता नीतीश राणे, कहा जिहादी मानसिकता के लोगों की वजह से हिंदू समाज शांति से नहीं मना पा रहा अपना त्योहार। जब तक ये जिहादी मानसिकता के मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, तब तक वो हिंदू समाज को ना अपना त्योहार मनाने देंगे। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल की घटना पर भी बोले मोहन भागवत, कहा हॉस्पिटल की घटना शर्मसार करने वाली, अपराधियों को संरक्षण दिए जाने की भी बात कही। होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति पहली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। गणेश उत्सव के दौरान हुई हिंसा पर मोहन भागवत ने कहा उपद्रव कट्टरपंथ की सोच, कट्टरपंथ को उकसाया जाता है। समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना, इसके बिना संगठन संभव नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने की कार्रवाई, सीमा पर हेरोइन और पिस्तौल लेकर आ रहे ड्रोन को मार गिराया। रामलीला मंचन के दौरान हरिद्वार जेल से फरार हुए दो कैदी, जेल और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा, फरार कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में किन्नर समाज ने कोतवाली के बाहर किया हंगामा, मारपीट मामले में कार्रवाई ना करने को लेकर नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश के बलिया में सड़कों पर रहने को मजबूर हुए बाढ़ पीड़ित, नहीं मिला अभी तक कोई सरकारी आवास, लोगों ने सरकार से मदद मांगी। अमेरिका के फ्लोरिडा में बवंडर का कहर, तूफान की वजह से हुआ काफी नुकसान, भयानक तूफान का वीडियो आया सामने। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार, क्लियर वाटर में एक अपार्टमेंट को कराया गया खाली, तूफान की वजह से नहर में पानी बढ़ने के बाद फैसला लिया गया। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन ने बरपाया कहर, तूफान से हुए नुकसान की मरम्मत कर रहे स्थानीय निवासी, तेज हवाओं की वजह से तटीय समुदाय तहस नहस हुए। मिल्टन तूफान से फ्लोरिडा में भारी तबाही, कई शहरों में तूफानी लहरों का कहर, कई घर तबाह हुए, तूफान आने से पहले कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अमेरिका में दिखा अद्भुत नजारा, कई रंगों में नजर आया आसमान।